एक हंस और हंसनी उड़ते हुए एक वीरान उजड़े हुए जंगल में जा पहुंचे। वहां एक पेड़ पर उल्लू चिल्ला रहा था। तभी हंसनी हंस से बोली, जहां ऐसे उल्लू रहते हैं वो जंगल तो उजड़ा और वीरान होगा ही। हंस ने हंसनी को समझाया, किसी तरह रात काट लो, सुबह यहाँ से चले जाएंगे। उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, हंस और हंसनी जाने लगे। तभी उल्लू ने पीछे से आवाज लगाई, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? हंस ने कहा, ये तो मेरी पत्नी है। हंस कहता मेरी पत्नी, उल्लू कहता मेरी पत्नी। इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ने लगा। जंगल के सभी जानवरों की पंचायत बुलाई गई। जानवरों ने आपस में विचार किया कि बात तो सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। हमारे बीच तो उल्लू को ही रहना है। इसलिए पंचों ने उल्लू के हक में ही फैसला सुनाया। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया, उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली और वहां से चल दिया। उल्लू ने पीछे से आवाज लगाई, हे मित्र रुको। हंस ने कहा, अब क्या बचा है, पत्नी तो तुमने मेरी ले ही ली, अब जान भी लोगे क्या? उल्लू ने कहा, पत्नी तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। उल्लू ने कहा, जंगल मेरी वजह से वीरान नहीं है, ऐसे पंच की वजह से है जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। दोस्तों, शायद 65 सालों की आजादी के बाद भी हमारी दुर्दशा का मूल कारण यह है कि हमने उम्मीदवारों की योग्यता न देखते हुए, ये हमारी जाति का है, हमारी पार्टी का है, फैसला उल्लुओं के हक में ही सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।